What is good, you lovely folks of YouTube? A very good morning to you. अभी सुबह के 5 बज रहे, आज है नवंबर 29th, 2023. राज, मैं मेरी आतंक पे, मेरी 390 पे एक लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ टू पंचगनी. इट इज गोइंग टू बी रफली अ 500 किलोमीटर राइड. वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन. बाइक को थोड़ा ऑलरेडी कोल्ड स्टार्ट कर दिया गया था. Finally out on the open road. After everything I've been through with this bike, all the money I've spent, finally me and her are out on a long ride. Trip meter ko maine ghar se nikalte time zero kar diya tha. Kal raat ko hi maine chain loop kar diya tha, petrol full kar diya tha. Bike was tip top ready taki subah subah nikalne mein time waste na ho, seedha seedha Mumbai ke bahar nikal jaye. Bhai udhar pe gaadi wrong side se ja rahi hai, dikh raha hai kya idhar? Shit, that's quite unsafe. Truly unpredictable city. मेरा जल्दी निकलने का रीजन ये है कि मुझे पुणे में ट्रैफिक नहीं चाहिए. पुणे की ट्रैफिक बहुत खराब होती है, तो वहाँ पर ट्रैफिक हो उससे पहले मुझे पुणे क्रॉस कर लेना है. अभी 5 बज रहे, तो मेरे ख्याल से 7:30 तक अपने को पुणे तो एंटर करना ही चाहिए. एंड आई डोंट प्लान ऑन स्टॉपिंग टिल द नेक्स्ट 200 किलोमीटर्स और सो. मेरे को थोड़ा नॉन स्टॉप राइड करके देखना है कि मेरा बॉडी कितना सहन कर सकता है. पूरा अंधेरा हो चुका है, सन्नाटा हो चुका है और ठंड काफी बढ़िया है. अभी हम लोग मुंबई लोनावाला का जो ओल्ड हाईवे है उस पे है. काफी बार आपको पता है ऐसा होता है कि यू नो कोई थॉट या फिर कोई आइडिया आपके दिमाग में चिपक जाता है. काफी महीनों से मेरे दिमाग में ऐसा एक विजुअल आ रहा है कि मैं हाईवे पे हूँ रात को, मेरे RC 390 पे, कोई लाइट वाइट नहीं है, 2-लेन रोड है. मेरे को लेफ्ट साइड के पेड़ पे मेरी लाइट दिख रही है और राइट साइड के पेड़ पे मेरी लाइट दिख रही है, थोड़ा आगे मेरी लाइट दिख रही है, ट्रक्स है. मैंने हेलमेट पहनी हुई है, हेलमेट के अंदर एकदम शांति है क्योंकि मेरा नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स है और मैं एकदम ही अपने जोन में जुप 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 राइड कर रहा हूँ. जुप जुप मतलब फास्ट नहीं, बस प्रिसिजन के साथ, एफिशिएंसी के साथ राइड कर रहा हूँ. परफेक्ट गियर चेंज, परफेक्ट लाइन सिलेक्शन, परफेक्ट ब्रेकिंग वो मैं कर रहा हूँ और वो बस विजुअल मेरे दिमाग में बहुत महीनों से था एंड आज फाइनली वो हो रहा है. मेरे इमेजिनेशन में सिर्फ ये स्पीड ब्रेकर नहीं था, बाकी सब ऐसे कैसे ही था. और ये वाले रोड पे मेरे HGG मिनी ड्राइव लाइट्स अच्छे से टेस्ट हो रहे, सो मेरा जो लो बीम है वो काफी अच्छे से सेट हो गया है और उससे मेरे को अच्छा खासा दिख रहा है ऑफ व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी. जो हाई बीम है उससे भी अच्छा खासा आगे का दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी उसका सेटिंग ऑफ है हाई बीम का. लो बीम का प्रॉपर है लेकिन, सो आई डोंट नो व्हाई दैट इज द केस. एंड आई एम श्योर कि अगर मैंने हेडलाइट का बल्ब रिप्लेस किया विद LED लाइट तो फिर वो हाई बीम का इफेक्ट और भी अच्छा आएगा क्योंकि इसका हाई बीम वाइट है. बट या आई एम रियली एंजॉइंग दिस. मेरे फेवरेट गाने बज रहे और मैं बस चलाए जा रहा हूँ और चलाते जाऊंगा. लोनावला में आते ही फॉग. आहा, सुबह के अभी 6:30 बज रहे, मस्त मौसम है. वाइजर को अगर खुला रखूंगा तो मैं ठंड से मर जाऊंगा. अभी दिखना बंद हो गया, मेरे पास एंटी फॉग नहीं है तो मेरा वाइजर भी फॉग अप होना शुरू हो गया. यार मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. अभी आप लोग ये वीडियो अपने घर पे देख रहे रहेंगे मोस्टली, या फिर कुछ लोग शायद ऑफिस से देख रहे रहेंगे, फिर किधर से तो तुम देख रहे हो. बट कहीं ना कहीं हम सबकी ये इच्छा है कि हम इसी तरह इसी टाइप के फॉगी वेदर में राइड करें. तो अगर मैं आपको ऑप्शन देता टेलीपोर्टेशन का कि अभी आप जहाँ पर भी हो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर आप सीधा इधर पे आ सकते हो, मैं जिधर हूँ इस फॉगी रोड पे अपनी पसंद देता बाइक पे, तो क्या आप वो ऑप्शन चूज करते? कमेंट करो नीचे, मुझे बताओ कौन सी बाइक पे मेरे साथ इधर राइड करते. क्योंकि जब मैं घर पे रहता था और दूसरे लोगों के ऐसे वीडियोस देखता था कि वो लोग बाहर घूम रहे, तब मेरे को ऐसा होता था कि यार अब मेरे को भी बाहर घूमना है और अब मैं बाहर घूम रहा हूँ. अभी फिलहाल मेरे को बहुत ही कम दिख रहा है, मेरा वाइजर खुला है क्योंकि अगर वाइजर नीचे रहेगा तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखेगा और मेरे आँख में पानी जा रहा है और ठंडी ठंडी हवा जा रही है और मैं मुश्किल से देख पा रहा हूँ. बट ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? सॉरी मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ठंडी हवा आ रही है मुंह पे. ऐसे सिचुएशन में यूजुअली आपके सामने जो भी व्हीकल है उसकी टेल लाइट को फॉलो करो. अगर उसकी टेल लाइट नीचे के मतलब खड्डा है, ऊपर के मतलब स्पीड ब्रेकर है, लेफ्ट राइट अगर हो रहा है अचानक से तो फिर कुछ आगे ऑब्स्टिकल हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स अपनी आंखों को तो खुला रखो ही, बट योर बेस्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज द अदर पर्सन्स टेल लाइट. ऑलरेडी सर्दी जैसा है, अभी वाइजर खुला है, ठंडी हवा लग रही है और सर्दी हो जाएगी यार ये तो. मजा आ रहा है लेकिन ये
I live for this baby. We are absolutely flying on the Kataraj bypass road. There's a cyclist over here. मेरे पास बाइक थी ना उसके पहले मेरे पास साइकिल्स थी और मैं बहुत ही क्रेजी था साइकिलिंग को लेके. मस्त ग्रेवल आ गया रोड पे. अगर यहाँ पर आपने जोर से ब्रेक मारी तो फिर मजा आएगा. साइकिलिंग मेरा पहला प्यार था और मैं लॉन्ग राइड्स इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे साइकिलिंग किया हुआ है 200-200 किलोमीटर. और मेरे पास जो साइकिल है वो एक रोड बाइक है और रोड बाइक तो एक स्पोर्ट्स बाइक से भी काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रहती है क्योंकि वो एकदम झुका हुआ रहता है और उसमें सस्पेंशन ही नहीं रहता है. ये देखो यही टाइप की साइकिल है मेरे पास रोड बाइक. इट्स अ स्कॉट स्पीडस्टर 20 द वन दैट आई हैव. और सीट बोले तो इतनी सी सीट उसके ऊपर तुम्हें 10-10 घंटे बैठ के राइड करना है. और राइड करना मतलब क्या, पेडलिंग करना है, एक्सीलेटर नहीं घुमाना है, मच मोर एफर्ट. तो उसमें ना मेरी बॉडी की एक स्ट्रेंथ और एक एंड्योरेंस बिल्ड हो गई क्योंकि मैंने साइकिलिंग बहुत किया है और उसकी वजह से मैं ऐसे लंबे लंबे राइड कर पाता हूँ ऐसी स्पोर्ट्स बाइक पे भी क्योंकि मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता. आई एम यूज टू दिस राइडिंग पोस्चर. और हाँ, कभी भी आपको पुणे क्रॉस करना है यही बेस्ट टाइम है. आप देखो हम आराम से 80-90 के स्पीड पे जुप 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 कट कुट मार के निकल रहे हैं. अगर आप 2 घंटे लेट आओगे ना, अभी कितना बज रहा है, 7:30 हो रहा है. अगर आप 8:30-9 बजे आ गए ना तो भाई इतना ट्रैफिक, फिर क्या आपके पूरे राइड का पेस बिगड़ जाता है, पूरा मूड बिगड़ जाता है. तो इसलिए टाइम से शुरू करें. पुणे के बाद जो टोल आता है वो इधर आगे है. मैं इधर बाइक रुका के थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ. एक बाइक को सीधा रोका मैंने 138 किलोमीटर्स बाद. थोड़ा और भी खींच सकता हूँ यार, रुकने की ज़रूरत तो नहीं है बट अभी रोक दिया है तो फिर रोक ही दे. ओ एंड बाय द वे मैंने यहाँ पर विंगलेट्स लगा दिए, आप देख सकते हो. दीज आर ऑल्सो फ्रॉम परफेक्ट मोटो एक्सेसरीज. दे लुक गुड. I doubt that they do anything, but you know, they look good, so it's fine. इतने टाइम से मेरे को शहर के बाहर निकल के मेरी बाइक को राइड करना था लेकिन बाइक में एक के बाद एक इश्यू आए जा रहे हैं. रीबिल्ड हुआ, फिर वो फोक पाइप लीक कर रहा था तो उसको रिप्लेस किया, तो बाइक रेडी नहीं हो रही थी. फिर ब्रेक इन पीरियड चल रहा था रीबिल्ड के बाद, ये वो. लेकिन अब फाइनली बाइक रेडी है और मौसम भी अच्छा हो चुका है क्योंकि नवम्बर दिसंबर है तो बहुत मजा आ रहा है बाइक पे. घर बैठे बैठे यही चाहता था कि मैं बाहर निकलूं और बाहर हूं तो लग रहा है कि हाँ, मिशन अकॉम्प्लिश्ड. अगर महाबलेश्वर इधर से आएगा, इधर से आएगा ना. सो यूजली जब महाबलेश्वर जाते हैं तब बाई से होकर जाते हैं लेकिन मैंने वो टर्न मिस कर दिया. तो अब गूगल मैप एक ऑल्टरनेट रूट दिखा रहा है और ये रूट आप देख ही सकते हो कैसा एकदम नेशनल हाईवे से मैं गांव खेड़े के बीच में आ गया. गूगल मैप्स की गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैंने टर्न मिस कर दिया. और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वॉइस ओवर क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे GoPro ने बहुत सारे क्लिप्स में ऑडियो सही से रिकॉर्ड किया नहीं. सो महाबलेश्वर तक राइड करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि वहाँ तक का रोड बहुत ही अच्छा है. आपको ओपन हाईवेज भी मिलते हैं और आपको 3 घाट मिलते हैं, एक लोनावाला का घाट, एक सातारा का घाट और एक मेन महाबलेश्वर का घाट. और RC390 एक स्पोर्ट्स बाइक है और स्पोर्ट्स बाइक बनी है लीन करने के लिए और लीन करने के लिए चाहिए घाट. सो वही लीनिंग के चक्कर में मैं महाबलेश्वर आ गया हूँ. मेरे को जिस रूट से जाना था वाई से होके वो रूट तो मिस हो गया, लेकिन ये भी अच्छा ही रूट है, काफ़ी नैरो रूट्स है बट एन्जॉय कर सकते हैं इस पर. पंचगनी मार्केट पहुंच गया. यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रॉबेरीज, महाबलेश्वर का फेमस. फुल राइडिंग गियर में चल रहा हूँ, मजा आ रहा है. और एक बात बताओ ना, मेरे को राइडिंग गियर नॉर्मल कपड़ों से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. दिस फील्स लाइक होम. हाँ, अच्छा लग रहा है. और आज का ब्रेकफास्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लकी कैफे एंड बेकरी. मस्ट ट्राई अगर आप महाबलेश्वर पंचगनी आ रहे हो तो. यार क्या ब्रेकफास्ट था, मस्त अंडा भुर्जी खाया मैंने विथ ब्रेड, बहुत ही बढ़िया था. वर्थ इट था इधर तक आना अंडा भुर्जी के लिए. सो या अगर आप
पंचगनी आते हो, महाबलेश्वर आते हो तो लकी कैफे जो है एक बार जरूर ट्राई करना। घाट शुरू हो गए, अब यहाँ पर व्यू देख सकते हो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, लेकिन अपना ध्यान व्यू के ऊपर नहीं होगा, अपना ध्यान रोड के ऊपर होगा। वैसे तो मैं महाबलेश्वर बचपन में काफी बार आ चुका हूँ और रिसेंटली भी 2-3 बार आ चुका हूँ, सो यहाँ पर मेरे को साइट सीइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर सच बताओ तो मेरे को मेजोरिटी शहरों में या फिर जगहों पे साइट सीइंग का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं एक बाइकर हूँ जो बाइक राइड करने के लिए वो डेस्टिनेशन पे जा रहा है, ना कि वो जगह की कोई चीज़ देखने के लिए। सो मेरे को उस चीज़ से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोकेशन पे पहुंच के उधर क्या मिलेगा। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि वहाँ तक की राइड कैसी होगी। हट जा रहे छोकरे, मेरा टर्न मत बिगाड़। बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। ये सब रोड्स काफ़ी नैरो है, तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा भी वाइड चले गए या फिर थोड़ा फास्ट एंटर कर लिया कॉर्नर, तो सीधा भाई खाई के नीचे। डोरेमोन, इस घाट को खाली करवाओ ना। थ्री के होने के फायदे, इंस्टेंट पावर, इंस्टेंट एक्सलरेशन, इंस्टेंट ओवरटेक। और ये ईबीसी के ब्रेक पैड, क्या खतरनाक ब्रेक पैड्स है, वाओ। हड़ जा चिच्चे। अरे यार सब टर्न खराब कर रहे हैं लोग। अरे नहीं नहीं, मैं जानबूझ के नहीं किया, मालूम है क्या? करो करो, इनको भी मालूम है, बस वाले मेरे को, एक कार वाले ने कैसे दबाया। क्या यार, सामान देखो आपको अगर। हाँ ठीक है, 12 के लिए 792 इधर से ले रहा है दादा।